Hello everyone, I hope your study is going well. Today we are going to study the questions of error detection. This video is the 12th part of the error detection of 1000 previous year question series. The link of the previous year part I will provide in the description box. You can go there and check now. Before starting this video, I will give you some idea about the rules that we are going to study in this video. First one is less ke saath. बट या फिर देन इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है. सेकेंड थिंग इज ब्रिंग अराउंड एंड ब्रिंग अबाउट में क्या डिफरेंस होता है. थर्ड थिंग इज इन द बैक साइड एट द बैक साइड इन द वैक एट द वैक इनमें से कौन सा फ्रेज जो करेक्ट है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं मैं हूं तुषारगर एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर रॉक. क्वेश्चन नंबर 331 हमने 330 तक क्वेश्चन कर लिए हैं. ये जो अपने क्वेश्चन है इस बार एसएससी सीजल टायर सेकंड 2011 से लिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस वीडियो का डी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहेमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब. इस क्वेश्चन का अर्थ है जो मिनिस्टर है एजुकेशन का वो रिफ्यूज कर देता है एलिगेशन से मतलब आरोप से. किस आरोप से कि वह रिश्वत लेता था. ब्रैप का मतलब यहाँ पर रिश्वत से है. और जो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन का मिनिस्टर है. जब भी हम किसी भी मिनिस्टर किसी डिपार्टमेंट का होता है और उसके लिए जो प्रपोजिशन का यूज किया गया यहाँ पर फोर है लेकिन हम कभी भी फोर प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. सो दी इरट इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज हियर ऑफ. एज यू कैन सी दैट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ रेलवे बोर्ड इन दोनों के अंदर भी हमने ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया है. एंड यहाँ पर आप देखेंगे वेहेमेंटली का मतलब होता है कि ऐसे कोई तरीका जिससे हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम्स भाट में. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है इससे स्टार्ट किया गया है एंड उसमें बोला गया कि अगर मैं जुबिन होता. तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए जो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसके अंदर जो वर्ब का यूज किया जाता है हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है जो एकदम करेक्ट है. एंड नेक्स्ट वाले क्लाउज के अंदर आई से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके बाद अगर वुड कुड शुड इनमें से कुछ हो और यहाँ पर वुड दिया हुआ है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर अटेंड के रूप में दी हुई है जो एकदम करेक्ट है. इस क्वेश्चन में अपनी कोई एरर नहीं है. सो वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 4. कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He says that he reads novel to pass away the time. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ही है उसके साथ जो says यूज किया गया वो एक सिंगुलर वर्ब है जो कि एकदम करेक्ट है. हमने यहाँ पर कंजक्शन के रूप में डेट का यूज किया गया है जो कि एकदम करेक्ट है. फिर अगेन हमने यहाँ पर ही का यूज किया है. फिर उसके लिए हमने फिर से सिंगुलर वर्ब जो कि यहाँ पर रीड्स के रूप में दी हुई है उसका यूज किया है वो भी एकदम करेक्ट है. लेकिन आप आगे बढ़ोगे जैसे यहाँ देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पास अवे द टाइम. यहाँ पर जो सेंटेंस में बात की गई है वो टाइम को स्पेंड करने के बारे में बात की गई है लेकिन यहाँ पर जो पास अवे का मींस होता है वो होता है टू डाई मतलब कि मर जाना. सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज पास. एज यू कैन सी दैट पास द टाइम का मतलब होता है कि किसी चीज को करने में समय स्पेंड करना. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे. यहाँ पर इसका अर्थ है कि वह मुंबई के लिए लेफ्ट करता है कब संडे के दिन और इसलिए कि वो यहाँ पर मंडे के दिन पहुंच सके. इसमें जो अपनी है वो है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर. क्यों है अराइविंग लिखा हुआ है वो एग्जीरेंट फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर अपने को एग्जीरेंट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर हमको एक इन्फिनिटिव फॉर्म की चाहिए. सो वी हैव टू यूज हेयर टू अराइव इन प्लेस ऑफ द अराइविंग. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. No sooner did the teacher enter the classroom, the students got up. इसमें आप देखेंगे कि जब भी सेंटेंस में no sooner का यूज किया जाता है तो हम दो चीज का ध्यान रखते हैं. पहली चीज कि अगर सेंटेंस में no sooner का जो यूज है वो अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में किया गया है तो उसमें हम इन्वर्जन का यूज करेंगे. इन्वर्जन मतलब कि पहले हम यहाँ पर एच बी का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर डिड के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है. फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर डी टीचर के रूप में दिया हुआ है. फिर उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे जो कि एंटर के रूप में यहाँ लिखा हुआ है और एंटर यहाँ पर जो है प्रेजेंट फॉर्म में है क्योंकि जो डू डट डिज के साथ हमेशा ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है इसलिए यहाँ पर जो एंटर है वो फर्स्ट फॉर्म है जो कि एकदम करेक्ट है. तो इसके बाद अपना दूसरा सिस्टम है जो नो सुनर के साथ देखा जाता है वो है कि नो सुनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है
और इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि देन का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, और अपना जो दूसरा सेंटेंस चालू हुआ है वो यहाँ से दी स्टूडेंट गॉट अप से चालू हुआ है, तो देन का प्रयोग सेकंड वाले क्लाउज के अंदर होना चाहिए था लेकिन इसके अंदर नहीं है। सो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर देन दी स्टूडेंट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नथिंग इलाइस देन प्राइड। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें इलाइस का यूज किया गया है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में इलाइस का यूज किया जाए और उसके साथ देन लिखा हो तो वो रॉन्ग होता है, कभी भी इलाइस के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर इज व्हाट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पिलिंग ऑफ वेल्स इज ए मोनोटोनस जंगल एंड ए नुएस टॉलरेबली ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटीमेंटल एसोसिएशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो ऑर्डिनरी मैन है उनके लिए जो पीलिंग ऑफ बेल मतलब किसी बेल का बार बार बजना, जो जोर से बजना, उनके लिए एक मोनोटोनस जंगल है, मतलब कि एक जो सुनने में बहुत ही बेकार लगे कान में, जैसे मेटल का एक दूसरे से मेटल का पीसना होता है, उसी को ही हम मोनोटोनस जंगल कहते हैं, और उनके लिए एक परेशानी है लेकिन वो कभी टॉलरेबल कर जा सकता है जब उसके साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो और या फिर उसके पास सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर जो आप देखेंगे जो टॉलरेबल लिखा हुआ है वो एक एडवर्ब के रूप में लिखा हुआ है, और एडवर्ब का यूज हमेशा ही या तो एडजेक्टिव के लिए किया जाता है या फिर हमेशा वर्ब के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टॉलरेबल का यूज किया गया है वो एक फीलिंग ऑफ वेल्स के लिए किया गया है जो कि एक नाउन है, और नाउन के लिए हम हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर टॉलरेबल इन प्लेस ऑफ टॉलरेबली। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टेक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट ऑफ द फार्म। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो ऑफ है उसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, पहला है कि दी इंक्रीसिंग मैकेनाइजेशन एंड दूसरा है लाइफ। और जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो उसके लिए जो वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है जो कि यहाँ पर डी इंक्रीसिंग मैकेनाइजेशन है, और जो पहला सब्जेक्ट है वो अपना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हैव का यूज किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर हैव। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया गया है वो एक एबिलिटी के लिए यूज किया गया है, और जब भी किसी नाउन के लिए किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वो एक नाउन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड यू कैन सी दैट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडजेक्टिव होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, सो हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव की आवश्यकता है, सो वी यूज हियर एडमिनिस्ट्रेटिव। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ वीव इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अपने इस क्वेश्चन में दो एरर हैं, पहली जो इंडिकेशन के साथ यहाँ पर फोर का यूज किया गया वो रॉन्ग है, कभी भी इंडिकेशन के साथ हम फोर का यूज नहीं करते हैं, सो अपनी पहली एरर तो बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, और दूसरी एरर बनेगी अपने कोस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो कोस्ट से लिखा हुआ है वो एक प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और कभी भी कोस्ट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो दूसरी एरर अपनी बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एंड वी हैव टू यूज हियर कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोस्ट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। इस क्वेश्चन में भी अपनी दो एरर हैं, पहली एरर अपनी यहाँ पर है कि जो जब भी हम टेस्ट के लिए किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ कभी भी इन प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, तो अपनी एरर एक तो दूसरे नंबर पर हो गई, तो इसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर और प्रपोजिशन का यूज करना है, एंड दूसरी एरर अपनी यहाँ पर है टुडे मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि जब भी हम मॉर्निंग के साथ आज के दिन की बात करते हैं तो कभी टुडे का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर हम दिस का यूज करेंगे, तो दूसरी एरर अपनी बनती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेस टू बी ए बैलेरिना। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो इफ से है, मतलब कि
ये जो क्वेश्चन है वो एक कंडीशनल क्वेश्चन है, और जब भी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो हम इसके दूसरे वाले सेंटेंस में भी हमेशा जो यूज होगा वो एक प्रेजेंट फॉर्म में या फिर फ्यूचर फॉर्म में होगा, और यहाँ पर जो यूज किया गया वो एक प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया गया है, तो इस क्वेश्चन में अपनी कोई एरर नहीं है। एंड आप ये देखेंगे यहाँ पे जो बैलेरिना लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक फीमेल बैलेट डांसर। बैलेट एक तरह का ऐसा डांस है जो उसको करने के लिए वो फीमेल करती है, उसी को हम बैलेरिना बोलते हैं। और जो बैलेट डांस किस तरह का होता है उसके लिए आपको मेरी वोकैब देखनी होगी, उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वेरी हार्श टोन सी ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विस। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर शाउटेड मतलब कि पास्ट टेंस का यूज किया गया है, और यहाँ पर भी टोल्ड लिखा हुआ है जो भी एक पास्ट टेंस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो डज नॉट लिखा हुआ है वो एक प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कंप्लीट टेंस अगर पास्ट के अंदर है यहाँ पर डज नॉट का यूज नहीं होना चाहिए था। सो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर डिड नॉट इन प्लेस ऑफ डज नॉट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दी कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन दी बेसिक स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन का मीनिंग है जो कमिटी है वो ये सोच रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिंग अराउंड लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि किसी कार्य करने का कोई तरीका या फिर कोई एक्शन, तो इसका आंसर ब्रिंग अबाउट में तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एक ब्रिंग अबाउट आना चाहिए था जिसका मतलब है किसी चीज की होना। तो यहाँ पर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, और यहाँ पर ब्रिंग अराउंड की जगह पर ब्रिंग अबाउट का यूज किया जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर। इस क्वेश्चन में जो आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के साथ यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन कभी भी हम पे अटेंशन का ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। सो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर टू इन प्लेस ऑफ ऑन, क्योंकि यहाँ पर पे टेंस के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वाज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो इट लिखा हुआ है उसके साथ जो बास का यूज किया गया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है और जो एकदम करेक्ट है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्चुनेट का यूज किया गया है, लेकिन आप देखेंगे फॉर्चुनेट के बाद एक न्यू सेंटेंस का यूज किया गया है। जब भी हम फॉर्चुनेट के बाद किसी भी न्यू सेंटेंस का यूज करते हैं तो हम उसके लिए डेट कंजक्शन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेट कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है। सो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज हियर टू नॉट फॉर्चुनेट, अब वी हैव टू यूज हियर फॉर्चुनेट डेट। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इनमेट का मतलब होता है कैदी होता है, जो पर्सन होते हैं जिनको प्रिजन के अंदर रखा जाता है उन्हीं को हम इनमेट बोलते हैं। एंड सेकंड मीनिंग होता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे जो लोग मेंटली इल होते हैं उनको भी हम इनमेट कहते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लिखा हुआ है वो यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, जिसके लिए हमें फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आर है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। तो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर इज इन प्लेस ऑफ आर, क्योंकि इज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। वे ऑडिटोरियम के गेट पर खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि एस का जो यूज किया जाता है वो हमेशा एक रीजन बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो अंदर है वहां पर जगह नहीं है, और जगह के लिए यहाँ पर हमने प्लेस का यूज किया है जो कि रॉन्ग है, जगह के लिए कभी भी प्लेस का यूज नहीं किया जाता। तो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर रूम इन प्लेस ऑफ प्लेस। जो आप देख सकते हैं कि जो रूम का मतलब होता है उसका मतलब होता है स्पेस नीडेड मतलब की जगह। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। इस क्वेश्चन में हैविंग का यूज जो है ऐसे पोसेशन किया गया है, जब भी हम हैव का यूज ऐसे पोसेशन करते हैं तो वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हैव का यूज वो कंटिन्यूस फॉर्म में हुआ है जो कि रॉन्ग है। सो अपनी इस क्वेश्चन बनती है ऑप्शन नंबर 2 में, एंड हम यहाँ पर हैविंग की जगह पर मेकिंग का यूज करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर वो यहाँ की जगह पर यहाँ होता तो जो हैविंग है वो इस पार्ट नंबर 1 के अंदर आ जाता था, फिर हम यहाँ पर
इस हैविंग की जगह पर हैज का यूज कर देते जो कि एक पोजिशन को शो कर देता, फिर हम यहाँ पर मेकिंग का यूज नहीं करते। इस तरीके से भी इसको याद रख लीजिएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन प्रिजन। जब भी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग लुकिंग फॉरवर्ड से होती है तो उसके सेंटेंस में एरर हमेशा उसी पार्ट में होगी, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड से पहले एक सब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर होती है। सो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज हेयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन प्रिजन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रिवॉल्व बता रहा है कि जो ये सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, और जो ये ट्रूथ है वो गैलीलियो के द्वारा प्रूव किया गया था जो कि पास्ट में प्रूव किया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रूव का यूज किया है जो कि एकदम पास्ट में है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I want that you should perform well. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि मैं आशा करता हूँ कि आपका जो परफॉर्म है वो अच्छा हो। तो यहाँ पर एक आशा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर बांड का यूज किया गया है। कभी भी हम किसी भी चीज की आशा करते हैं तो हम कभी भी बांड का यूज नहीं करते हैं। So the error in this question is in option number 1 and we have to use here not well. हमको यहाँ पर होप या फिर बेस का यूज करना है। और आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर जो बेल का यूज किया गया है वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज हमेशा ही वर्ब्स के लिए किया जाता है जो कि परफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट हैंग्ड द लैंप ऑन द वॉल। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो हैंग का यूज किया गया है इसका मतलब फांसी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वेंट है उसने जो लैंप है उसको वॉल पर लटका दिया है, ना कि उसको फांसी दी है। तो यहाँ पर हैंग का यूज करना गलत है। तो दी एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हेयर हैंग इन प्लेस ऑफ हैंग। एज यू कैन सी दैट जो ये वाला हैंग है उसका मतलब होता है लटकाना, लेकिन जो ये वाला हैंग है इसका मतलब होता है फांसी देना, और जो इसकी सेकेंड फॉर्म है ये इसकी थर्ड फॉर्म है, एंड यहाँ पर ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म है, हमने इस वाले हैंग का यहाँ पर यूज करना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव ए रॉक गार्डन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब भी हम किसी भी पोजिशन की बात करते हैं तो कभी भी हम उसके साथ साइड एंड इन प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो द रेड इन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज हेयर एट द बैक। एज यू कैन सी दैट एट द बैक, एट द टॉप, एट द फ्रंट, एट द बॉटम, इस तरीके से हम किसी भी पोजिशन को बताने के लिए यूज करते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ask her to call me when she will come back. जब भी हम सेंटेंस के अंदर when का यूज करते हैं और उसके साथ दो क्लास जुड़े हुए होते हैं, पहला क्लास तो यहाँ से लगाता यहाँ तक एंड दूसरा क्लास है ये वाला। तो जब भी when के साथ वाला क्लास जुड़ा हुआ होता है तो उसके साथ कभी भी हम मॉडल का यूज नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पर बिल दिया हुआ एक मॉडल। तो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3 एंड हम यहाँ पर बिल कम की जगह पर कम्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा और यहाँ पर मॉडल का यूज नहीं किया जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूरेटर टेल्ड अस दैट द म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ओपन का यूज किया गया है जो कि एक थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन कभी भी ओपन का जो है थर्ड फॉर्म नहीं बनता है, ओपन का थर्ड फॉर्म केवल ओपन ही रहता है, इसके बाद ईडी का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो अपनी इस क्वेश्चन बन जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर एंड वी हैव टू यूज हियर ओनली ओपन इन प्लेस ऑफ द ओपन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग कार जनरली आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड एवन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो इवन का यूज किया गया है वो एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लीसेंट मतलब कि एडजेक्टिव के पहले किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इवन है उसका यूज एक वर्ब के बाद किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर इवन का यूज वर्ब से पहले करना है। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हेयर इवन रेड इन प्लेस ऑफ रेड इवन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I declined the invitation not because I did not want to go, but because I had no time. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मैंने इनविटेशन को डिक्लाइन मतलब कि मना कर दिया, ना कि इसलिए कि मैं जाना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था।
अब आपने सुना होगा कि इसमें जो पूरा क्वेश्चन का मैंने जो मीनिंग बताया है वो एकदम कंप्लीट पास्ट टेंस के अंदर बताया है, लेकिन जो यहाँ पर हैव का यूज किया गया है वो एक प्रेजेंट के अंदर यूज किया गया है। सो द एरर इन दिस क्वेश्चन इज इन ऑप्शन नंबर 3, और हमको यहाँ पर हैव की जगह पर हैड का यूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली कंफर्म वाय लेटर एंड टेलीफोन डेट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। इस क्वेश्चन में का मीनिंग है कि कृपया आप लेटर या फिर टेलीफोन द्वारा कंफर्म कर देना कि आप इंटरव्यू में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हाँ या ना की बात की जाए तो हमेशा कंजक्शन के लिए डेट का यूज नहीं करते हैं, कंजक्शन के रूप में यहाँ पर एक वेदर का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेदर के का मतलब है हाँ या ना में आंसर देना। सो अपनी इस क्वेश्चन बनती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो सपोज एनी वन विल वॉलंटियर विल दे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो बिल का यूज किया गया है वो इस वाले बिल का यूज किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन टैग के अंदर जो बिल लिया जाता मतलब कि जो वर्ब ली जाती है वो इस वाले यहाँ से ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो दे का यूज किया गया वो कैसे यूज किया गया देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आई डू नॉट सपोज एनी वन है इसका मतलब होता है नो बड़ी, और नो बड़ी के लिए यहाँ पर हमने डे का यूज किया गया है। क्यों किया है? जो नो बड़ी है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जो कि पर्सन वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जब भी इसकी बात की जाती है तो हमेशा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर डे का यूज किया है और अपनी इसमें कोई एरर नहीं है। इसी के साथ ही अपने इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं। चाहे इनका आंसर आप उसको टेलीग्राम पे दीजिए या फिर नीचे कमेंट में दे दीजिए, मैं वहां पर जाकर चेक कर लूंगा। इसी के साथ ही अपनी ये वीडियो कंप्लीट हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।